और मध्य प्रदेश सरकार जहां एक ओर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर हंडिया तहसील से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वन ग्राम जोगा का ऐतिहासिक किला शासन प्रशासन की नीतियों से उपेक्षित है। यदि इस किले को भी मध्य प्रदेश शासन का पुरातत्व विभाग हनुमंतिया टापू की तरह पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करे तो यहाँ भी टूरिज्म की अपार संभावनाएं बन सकती है। वनग्राम जोगो का किला नर्मदा नदी के बीच एक टापू पर स्थित है। बता दें कि कुछ वर्ष पूर्व पर्यटन विकास मंत्री उषा ठाकुर ने हंडिया क्षेत्र का दौरा किया था और इसी दौरान मीडिया ने पर्यटन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि हंडिया क्षेत्र को भी हनुमंतिया टापू की तर्ज पर पर्यटन के रूप में विकसित कराने का प्रयास करूंगी, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किया गया है, जिससे यहाँ के आने जाने वाले पर्यटक मायूस होकर लौट रहे हैं।